हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती इंडिया। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो भी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, और आपको हम साइंस की क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो जब जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हों तो पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो आज हम आपसे जुड़ रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन हमारे पास 10 और 10 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षाओं में बारी बारी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अदृश्य होती है या अधिक स्थायी होती है। तो आपके पास 3 सेकंड होंगे हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक स्थायी होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं, ठीक है। अब इसके ऑप्शन हैं आपके हिरण, हाथी, खरगोश या फिर जिराफ। तो इसका आंसर आएगा हिरण। क्या आंसर आएगा इसका? हिरण, ठीक है। लास्ट में मुझे बताइएगा वीडियो के कमेंट लास्ट में कि आप कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि MCB का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों में से बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि मिन्यूएटर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है, ठीक है। इसके लिए आपको 3 सेकंड मिलते हैं, आप जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। चलिए, इसका ऑप्शन होगा थर्ड, आई मीन तीसरा नियम। क्लियर है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कारों, टिरकों, बसों और ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। देखो मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, जिसमें ड्राइवर होता है वो बैक साइड देखता है, उसमें कौन सा लेंस दर्पण लगा होता है। तो इसका आंसर आएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है। देखो, आप यदि आप NTPC की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आप मात्रक वाली वीडियो में ये देख लीजिएगा। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है और आप उसको देख लीजिएगा और आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा, दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, और जो डेसिबल होता है वो होता है आपका ध्वनि का मात्रक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा CO2 को कौन उत्सर्जित करता है। तो इसका आंसर आपको 3 सेकंड मिलेंगे, भारत, चीन, फ्रांस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर आएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 8 है हमारा, जंग किसका ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का, जिंक का, तांबे का या फिर लोहे का। आपके पास 3 सेकंड है, आप आंसर बताइएगा मुझे। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे का। क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, कैचुआ, अमीबा, कछुआ या चींटी। तो आपके पास 3 सेकंड होंगे, आप आंसर बताइएगा और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सर हमारे इतने क्वेश्चन ठीक है। चलिए, इसका आंसर आएगा आपका कैचुआ। जो कैचुआ होता है वो अपनी श्वसन की क्रिया करता है, वो अपनी त्वचा से करता है। क्लियर। हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस ये है हमारा, जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 3 सेकंड होंगे। चलिए, इसका आंसर आएगा रासायनिक परिवर्तन। अब देखो सुनो, जब किसी लोहे पर जंग लग जाता है तो जंग की पपड़ी से क्या दोबारा लोहा बनाना संभव होता है, नहीं होता ना, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको हम NTPC के सारे ही वीडियोज़ देंगे, रीजनिंग की भी, मैथमेटिक्स की भी, जनरल स्टडी की भी और हिंदी भी प्रोवाइड कराएंगे। देन आपको करंट अफेयर आपको डेली मिलता ही है, ठीक है। और यदि आप किसी UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और आपको डेली के डेली ही करंट अफेयर मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको थैंक्स एंड थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।